राष्ट्रभूमि भारत में देन इट वाज फॉर्मली नेम्ड एज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जाना जाता है। क्यों ब्रह्मा कुमारीज कहा जाता है? ब्रह्मा शब्द हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग फादर हैं, हम उनको प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। बिकॉज हमारे इंडियन ट्रेडिशन में किसी भी चीज के क्रिएटर को ब्रह्मा कहते हैं, एंड बाबा बहुत रिस्पेक्टफुल एंड लवफुल वर्ड है जो अपने बड़ों के लिए यूज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसीलिए कहा गया क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन 1937 में एस्टेब्लिश हुई सिंध हैदराबाद में, उस टाइम पे जो बहनों का स्टेटस था, महिलाओं का, विमेन का स्टेटस था सोसाइटी में, कोई बहुत अच्छा नहीं था। विमेन किसी भी एरिया में एम्पावर्ड नहीं थी। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर को बहुत विमेन के प्रति रिस्पेक्ट थी, तो तब से उन्होंने सिस्टम बनाया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो बहनें फ्रंट एंड पे आकर के भाइयों को साथ लेकर भी करेंगे। तो इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं वो विमेन ही नहीं है, वे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के रूप से कह सकते हैं। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज लेड बाय विमेन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये ऑर्गेनाइजेशन 137 कंट्रीज में बिखरी हुई है, फैली हुई है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। एंड ब्रह्मा कुमारीज इज बेसिकली फेमस फॉर मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। अगर मैं एक ही लाइन में इसको डिफाइन करूँ, इट इज टू चैनलाइज आर थॉट्स इनटू वन डायरेक्शन। अभी बहुत सारी जगह स्कैटर्ड है। सो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ये वर्क करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को 1982 में 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले बाय UN, एंड इट इज वर्किंग विद यूनेस्को, यूनिसेफ एज एन NGO कंसल्टेटिव, एज कंसल्टेटिव स्टेटस एज एन NGO। सो ये ब्रह्मा कुमारीज का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया। सो